नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहार रिक्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये मॉक टेस्ट है इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये हेल्प करेगा। और आने वाले जितने भी एचपीएस के एग्ज़ाम है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो हिमाचल जीके सेक्शन आता है ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है और पहले आंसर करने हैं और बाद में आंसर को सुनना है और आपने ठीक किया है या गलत किया है उसके बेस पर अपना स्कोर बनाना है और उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। इससे क्या कर सकते हैं, आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ ही आपको याद क्या रखना है कि इसका जो आंसर है उसको याद रखना है, क्योंकि ये आगे वाले वीडियो के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में जो ऑप्शन में कुछ एक ग्रेट पर्सनैलिटी है उनका भी मैं वर्णन करूँगा, तो उसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए चलते हैं आज का जो ये सेशन है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में लालचंद प्रार्थी दिया हुआ है, बी में सत्यानंद स्टॉक, सी में एस एम कंवर और डी में जेसी फ्रेंच। आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका सही आंसर जो कंसीडर किया जाएगा तो इसका सही आंसर ग, एस एम कंवर जो है सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक है। इसके साथ ही आपको कुछ एक चीजें याद रखनी है। यहां से लालचंद प्रार्थी ने एक किताब लिखी, उसका नाम है कुलूत देश की कहानी। कुलूत देश की कहानी, देश की कहानी, और ये किताब 1972 में पब्लिश हुई थी। ये राइटर है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आगे नेक्स्ट वन, ग्रेट पर्सनैलिटी सत्यानंद स्टॉक्स, काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने, फ्रीडम फाइटर, सामाजिक कार्यकर्ता रहे। साथ में जो बेगार या जो रीत या बेंटू जो प्रथाएं थी शिमला के रीजन में, इन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई। जेसी फ्रेंच एक लेखक है, जेसी फ्रेंच ने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, क्या आप मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति हिमाचल प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहा? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें से सही आंसर जो है वो डी है, किशोरी लाल। इसके साथ ही आपको पता करना है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर जो है न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग। ये क्या थे, हमारे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 217 के तहत, जो राष्ट्रपति होता है राज्यपाल की सलाह मशवरा के बाद उनकी नियुक्ति करता है और उन्हें हटाने की विधि वही विधि है जो उच्चतम न्यायालय के जो जज होते हैं उस विधि के द्वारा हटाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना में
किस क्षेत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया था? ऑप्शन ए कृषि बागवानी, सहकारिता एवं महिला विकास, परिवहन एवं सड़कें। तो इसका सही आंसर जो है डी सही आंसर है, परिवहन एवं सड़कें जो थी उसके ऊपर फोकस किया गया था। परिवहन एवं जो सड़कें थी उसके ऊपर फोकस किया गया था। दूसरी बात, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो 1951 में हुई और हिमाचल प्रदेश के लिए 527 करोड़ के आसपास लगभग जो बजट था वो एलोकेट किया गया था और जो मुख्य उद्देश्य था परिवहन एवं सड़कों को मद्देनजर रखते हुए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। जो ये पंचवर्षीय योजना होती है इसको लागू करने का जो काम होता है योजना आयोग का होता है और इसे अंतिम स्वीकृति जो देती है एनडीसी देती है, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। वर्तमान में ये जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर का प्लान है इसे खत्म कर दिया गया है। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो प्रोग्राम है वो अभी हमारे देश में प्रचलित है। ये योजना आयोग जो होता है इसकी स्थापना आपको अच्छे से याद रखनी है, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था है। नोरा रिचर्ड लेखिका एवं चित्रकार ने किस स्थान को रहने के लिए चुना, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जो यहां से लेखिका और चित्रकार है यहीं से क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे नोरा रिचर्ड का संबंध है तो ये लेखिका और चित्रकार दोनों थे। दूसरी बात, ये कहां के थे तो ये रूस के थे। कहां के थे? रूस के थे और इन्हें आयरिश भी कहा जाता है, मीन्स ये इनका जो मूल संबंध जोड़ा जाता है वो आयरलैंड से जोड़ा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन्होंने कौन सा स्थान रहने के लिए चुना था? तो ये अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो पालमपुर से कुछ दूरी पर है, आर्ट एंड कला का केंद्र है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ एक नाम है यहां पर दिए हुए, ज्यादा ना डिटेल करते हुए, मनाली मनुभूमि इसको अच्छे से याद रखना है। मनु के नाम पर इसका नाम मनाली रखा है, मनु को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। इनकी एक किताब है मनुस्मृति, लौ के ऊपर लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखी गई है, पर इस बुक में जो वोमेन की सिचुएशन है, वोमेन का जो विवरण किया गया है वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया है। डलहौजी 1966 से पहले ये जो एक गुरदासपुर पठानकोट का जिला हुआ करता है अभी भी, उसका पाठ हुआ करता था। डलहौजी के नाम पर इसका नाम डलहौजी पड़ा और 1966 में ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना। शिमला वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय यहां पर है, काफी प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी राजधानी के विषय में यह कहा जाता है कि राजधानी में दीपक जलाकर देखा गया कि वह सारी रात जलता रहा, उससे राजा ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह आंधी और बर्फ से सुरक्षित रहेगी। तो ये जो कहा जाता है ये सरहान के बारे में कहा जाता है। सरहान का पुराना नाम शोणितपुर। ये शिमला की राजधानी रही,
इससे पहले शिमला की राजधानी या मतलब बुशहर की जो बुशहर रियासत हुआ करती थी उस वक़्त उसकी राजधानी रही है, क्योंकि शिमला में एक रियासत है बुशहर और ये सबसे पुरानी रियासत और सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। उसकी राजधानी रहा सहारनपुर, शोणितपुर जिसका पुराना नाम है। इससे पहले बुशहर की राजधानी कामरू हुआ करती थी। वर्तमान में कामरू एक फोर्ट है और ये जिला किन्नौर में पड़ता है, सतलुज के आस पड़ोस वाले रीजन में ये देखने को मिलता है। तो ये शोणितपुर है, इसका संबंध बाणासुर से जुड़ा जाता है। बाणासुर पांडव काल में हुए हैं, बाणासुर पांडव काल में हुए। ये बाणासुर वही है जो एक राक्षस प्रवृत्ति के हैं, शिव के भगत है। जब बाणासुर और शिव में युद्ध, सॉरी क्या बोलते हैं, बाणासुर और जो विष्णु के बीच में युद्ध होता है, तो शिव इस युद्ध में मध्यस्थ का काम करते हैं और इस युद्ध को खत्म करने में सहायक का काम करते हैं। बाणासुर के बारे में अलग अलग किंवदंतियां, परंपराएं, दंत कथाएं हैं। कहा जाता है कि बाणासुर मानसरोवर कैलाश पर्वत से सतलुज को लाए थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात, बरमौर जो है, बरमौर एक प्यारा सा रीजन है, बुद्धिल नदी के आस पड़ोस में है, बुद्धिल नदी के आस पड़ोस में है। जब भी बातचीत आए, बरमौर को 84 देवताओं की भूमि कहा जाता है। लक्ष्मणा देवी, शक्ति देवी मंदिर यहां पर है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लक्ष्मणा देवी शक्ति देवी मंदिर है, एक कलाकार हुए गुगा, उन्होंने बनवाया। मेरु वर्मन के समय की बातचीत है ये। गुगा के उन्होंने हाथ कटवा दिए, मां की कृपा से माना जाता है कि हाथ जुड़ गए थे। जो ये ब्रह्मौर है, इसका पुराना नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था। कुछ समय तक ये ब्रह्मपुर चंबा की राजधानी रही। यहां पर एक योगी रहता था, उसका नाम चरपटनाथ। इनकी कृपा से जो साहिल वर्मन राजा होते हैं, उन्हें औलाद नहीं होती है, पर इनकी वजह से औलाद होती है। बाद में ये साहिल वर्मन ही क्या करते हैं, चंबा को राजधानी डिक्लेयर करते हैं, और जो मेरु वर्मन है, इस ब्रह्मपुर के संस्थापक माने जाते हैं। तो आई होप आप अच्छे से इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको जान गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन है सुकेत। सुकेत का जो संस्थापक है बीरसेन है, बीरसेन। इसकी पहले राजधानी सुंदरनगर जिसे वनेट कहते हैं वहां हुआ करती थी। मंडी की दो रियासतें हुआ करती थी, एक थी सुकेत, दूसरी थी मंडी। तो ये भी आपको यहां से याद रखना है। चंबा, चंबा ब्यास सॉरी रावी नदी के आस पड़ोस में बसा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चंबा शहर का एक मेला है, मिंजर मेला, जो वरुण देवता को समर्पित है, 7 दिन तक चलता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये आपको यहां से चीजें अभी के लिए याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंडी राज्य का कौन सा शासक तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता था? सूर्यसेन, सुरमासेन, भवानी सेन, सिद्धसेन। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो सिद्धसेन थे, ये काफी इंपॉर्टेंट राजा हुए मंडी की हिस्ट्री में, और इन्हें तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता कहा जाता था। तांत्रिक विद्या का इन्हें ज्ञाता कहा जाता था। इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि तंत्र मंत्र में काफी विश्वास करते थे। जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू गए, कुल्लू के उस वक्त राजा मानसिंह हुआ करते थे, उन्होंने इनका कॉपरेशन नहीं किया। उसके बाद विधिचंद एक राजा बनते हैं कुल्लू के, वो भी इनके सहयोग नहीं करते हैं।
फिर क्या करते हैं, जो गुरु गोबिंद सिंह जी है मंडी चले आते हैं और मंडी में सिद्ध सेन से मिलते हैं। सिद्ध सेन गुरु गोबिंद सिंह का सहयोग करते हैं क्योंकि उस वक्त जो मुगलों का दौर है, मुगल और सिखों के बीच हड़पझड़प हो रही है। गुरु गोबिंद सिंह के जो पिताश्री थे तेग बहादुर की हत्या कर दी गई है, तो उस सिलसिले में उस सहयोग प्राप्त करने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग उस वक्त रियासतें हुआ करती थी उनके राजाओं से सहयोग प्राप्त की आशा से उनके राज दरबार में जाते हैं। कुछ एक राजा उनका सहयोग करते हैं, कुछ एक नहीं करते हैं। तो बोलने का मतलब है जो सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी है उनके समकालीन सिद्ध सेन जी हैं। आगे नेक्स्ट वन है सूर्य सेन, काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य सेन जो है इन्होंने मंडी की जो शिवरात्रि है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है, उसे लोक उत्सव के रूप में मनाने की स्वीकृति प्रदान की। इन्होंने जो शिवरात्रि थी जो सिर्फ शैव मत को ही मानती थी, उसे वैष्णव मत को मानने की भी अनुमति दी। पहले जो भूतनाथ थे जो शैव मत को प्रदर्शित करते हैं, शैव मत के प्रतीक है, सूर्य सेन ने माधव राव को भी शिवरात्रि का प्रतीक माना। माना जाता है इनके 11 पुत्र थे, इनके कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इन्होंने अपना पूरा का पूरा साम्राज्य माधव राव यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था। आगे नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भवानी सेन। भवानी सेन के समय में 1909 में एक विद्रोह हुआ और विद्रोह का राज जो था मंडी में बढ़े हुए कर अत्याचार शोषण की प्रवृत्ति, और जो उसका वजीर हुआ करता था उस पर जीवानंद पादा। जब ये विद्रोह हुआ तो भवानी सेन ने अंग्रेजों की सहायता से इसको दबाया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो उस दौरान भवानी सेन ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भवानी सेन की पत्नी का नाम खैरगढ़ी, बाद में जिसका नाम ललिता भी होता है, खैरगढ़ी इनकी पत्नी का नाम था, जिनका नाम हिमाचल प्रदेश की जो फ्रीडम स्ट्रगल रहता है उसमें भी लिया जाता है। वो मंडी से लीड करती है, अंग्रेजों के अगेंस्ट जो विद्रोह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, मंडी के बारे में जब भी बातचीत आए तो मंडी का संबंध मांडवीय ऋषि से जोड़ा जाता है। मंडी को शिव नगरी, शिवधाम, मंदिरों की नगरी, हिमाचल प्रदेश की वाराणसी, हिमाचल प्रदेश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ब्यास नदी के आस पड़ोस में स्थित है। इसके साथ ही तिब्बती भाषा में इसका नाम जौहर है। गुम्मा और द्रंग की जो एकमात्र नमक की खाने घोगड़धार के अंदर मंडी में देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको मंडी से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित जिलों में, किन जिलों में हॉप्स उत्पादन किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आंसर देख लीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हॉप्स क्या होता है। तो इसका सही आंसर डी है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हॉप्स की खेती होती है। हॉप्स है क्या, हॉप्स पहले जम्मू कश्मीर के जंगलों में उगती थी। यह एक औषधि की प्रॉपर्टी रखने वाला पौधा है। इसका यूज जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहां पर होता है। 1925 के आस पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में इसे लाया गया, और कहां से लाया गया था, तो जो जम्मू कश्मीर के जंगल थे वहां से इसे लाया गया और हिमाचल प्रदेश में
लाहौल स्पीति वाले रीजन में इसको उगाया गया। उसके बाद किन्नौर चंबा में भी इसका प्रचलन हुआ। वर्तमान में ये एक कमर्शियल क्रॉप्स बन चुकी है और साथ में इसकी वर्तमान में मार्केट में काफी डिमांड है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सेंच उप तहसील किस जिले में है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर कुल्लू होगा। पर अब हमें यहां से कुछ एक चीजें सीखनी है। जो सेंच है ये ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन है, शाही बिनी का देवालय नमक मंदिर किस जिले में स्थित है? ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन आपके सामने है कि जो शाही बिनी मंदिर है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं, और साथ में ऑप्शन सी भी आपके सामने है और डी भी आपके सामने है। आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो मंडी है। मैं मंडी के बारे में कुछ ज्यादा ना बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। ये मंदिर है। कुल्लू के बारे में कुछ एक चीजें याद रखनी है। कुल्लू का पुराना नाम कुलूत या कुल्टा, कुलूत या कुल्टा। बिहंग मणिपाल इसके संस्थापक है। हिडिंबा देवी की सहायता से इस रियासत की स्थापना की गई। मध्य हिमालय में पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देवों की देव भूमि कहा जाता है इसे। जो कुल्लू है, कुल्लू में पहली बार 1870 में आर सीली ने सेब की खेती शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत तो त्रिगर्त है, पर द्वितीय पुरानी रियासत कुल्लू है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं सिरमौर की तरफ। सिरमौर की जब भी बातचीत आए तो इसके संस्थापक रसालू जी है, रसालू। इसकी राजधानी सिरमौरी ताल हुआ करती थी। सिरमौरी ताल आपका गिरी नदी के आस पड़ोस में है और गिरी नदी जो शिमला की चांसल रेंज है उसके अधीन कुप्फर फीक है, वहां से निकलती है। सिरमौर को दो भागों में बांटती है। सिरमौर का पुराना नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुलोकना, सुलोकना। जैसे मैंने मंडी का संबंध मांडवी ऋषि से बताया, वैसे ही सिरमौर का संबंध मार्कंडेय, एक ऋषि हुए हैं, उनसे जोड़ा जाता है। सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन है। एकमात्र ये जो हेडक्वार्टर है सिरमौर का, उस शिवालिक में बसने वाला रीजन है। और नाहन मार्कंडेय रिवर या मार्क जो मार्कंडेय ये ऋषि थे उससे भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। मार्कंडेय जो रिवर है उसके आसपास पास पड़ोस में ये हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। साथ में नाहन का संस्थापक जो है वो कर्म प्रकाश को माना जाता है और इसका संबंध नाहर सिंह एक व्यक्ति हुए हैं, उनसे जोड़ा जाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरी बात, अदरक के मामले में हिमाचल प्रदेश का सिरमौर पूरे भारत में सेकंड प्लेस रखता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अदरक क्या एक जड़ है, तना है, प्रकंद है या शल्क है? इनमें से कौन सा सही होगा? नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, स्वांगला जनजाति किस घाटी में पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पटन घाटी, शिलाई घाटी, बरमौर घाटी, पांगी घाटी।
स्वांगला जनजाति किस घाटी में पाई जाती है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मनन कीजिएगा। ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो पहला जो ऑप्शन है पटन, दूसरा शिलाई घाटी, तीसरा बरमौर और चौथा पांगी घाटी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर ग होगा। ध्यान रखना, पांगी चंबा वाला नहीं है, पांगी किन्नौर वाला। पांगी दो है, एक चंबा वाला एक किन्नौर वाला। तो जो स्वांगला है ये बसपा घाटी में पाए जाने वाली एक जनजाति है। बसपा घाटी में पाए जाने वाली एक जनजाति है। ये अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं। बसपा घाटी को ही स्वांगला घाटी भी कहते हैं, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। बसपा एक ट्रिब्यूटरी भी है, सहायक नदी भी है सतलुज की। एक जगह है खाब, खाब में सतलुज और बसपा आपस में मिल जाते हैं। आई होप आप अच्छे से ये समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरी बात, जो पटन घाटी है ये लाहौल स्पीति में है। शिलाई का संबंध सिरमौर से जोड़ा जाता है, बरमौर घाटी आपको मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वाईएस परमार पहली बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने? काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो घटना है 24 मार्च 1952 की, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर बातचीत की जाए कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कब हुए थे, तो नवंबर 1951 में हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में पहली बार इलेक्शन हुए थे और किन्नौर में हुए। तो नवंबर का महीना था, उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे, ये ऐसा दौर है। और जो केंद्रीय मुख्य चुनाव आयोग था उन्होंने ये इलेक्शन करवाए थे। किन्नौर में ये इलेक्शन पहले क्यों हो गए थे, क्योंकि उस वक्त बर्फ पड़ती थी, इसी वजह से वहां पर पहली बार पोलिंग हुई थी। और वहां के श्याम चरण जो नेगी थे वो भारत के पहले वोटर थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की थी। और ये कल्पा एक जगह पड़ती है किन्नौर में, वहां के निवासी है। और सबसे ज्यादा भारत में वोट करने वाले व्यक्ति है, इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ जो बुक होती है उसमें इनका नाम शामिल किया गया है। ये चुनाव जब हुए उस वक्त 36 सीटों के लिए हुए थे। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी उस वक्त? तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहां कुछ एक डेटें दी हुई है। जो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, 15 अप्रैल हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस वक्त 4 जिलों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, चंबा, सिरमौर, मंडी, महासू। महासू एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज उस वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। किन्नौर, शिमला, सोलन उसके पार्ट हुआ करते थे। चंबा हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना जिला था, सबसे पहले ये बना था। आगे नेक्स्ट वन जो डेट है, घ वाली जो डेट है, मीन्स 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल बना। और जो वर्तमान में हम एरिया पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश का, वो एरिया भी इसी वक्त डिक्लेयर किया गया था, 1 नवंबर 1966 को। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनेटी और देलठ किस रियासत की जेलदारियां थी? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो खनेटी है, क्वेश्चन को फिर ध्यान से देखिएगा, और साथ में खनेटी के बाद देलठ है, वो किसकी जेलदारियां हुआ करती थी? ऑप्शन में आप देख सकते हैं,
ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे जो ये मतलब जेलदारियां जिसको ठाकुराई बोलते थे, ये हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है शिमला में ये ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता था, वो हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो ये किसका पार्ट हुआ करती थी? ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी में भी देख सकते हैं, सी ऑप्शन आपके सामने है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो आंसर होगा इसका वो आपको डी देखने को मिलेगा, रामपुर जो बुशहर हुआ करता था उसकी उस वक्त जेलदारियां हुआ करती थी। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो ये जो है लाहौल स्पीति। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर जो है डी कृष्ण चंद्र। कांगड़ा के किस शासक ने सुजानपुर टीहरा को अपनी राजधानी बनाया? तो ये जो संसार चंद थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। घमंड चंद ने सुजानपुर टीहरा की स्थापना की थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो संसार चंद था उनके टाइम में निक्का और फाटू कलाकार हुआ करते थे। नोकू एक गद्दन थी जिनके साथ इन्होंने शादी की थी, और ये प्रेम विवाह था जिसको प्राचीन भाषा में गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। चंबा प्रजा सुरक्षा लीग का मुख्यालय 1990 में कहाँ बनाया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्या चंबा में बनाया गया था या कहीं और जगह था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसका आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि जो चंबा सुरक्षा लीग थी उसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ करता था। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो जरूर पता कीजिएगा। पंजोता आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था? ये भी आपके लिए है क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चनों के आंसर जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन, मलाना विद्युत परियोजना किस क्षेत्र में है? तो ये जो ए है राज्य के अधीन है। क्लू देश की कहानी में नहीं बताऊंगा, पीछे मैं बता चुका हूं, आपको अच्छे से याद रखना है। आप क्या बता सकते हैं, मनमोहन सिंह जो है उन्होंने एक किताब लिखी है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताती है, क्या उस किताब का नाम बता सकते हैं? और साथ में एमएस रंधावा, इन्होंने कांगड़ा के बारे में किताब लिखी है, क्या आप मुझे उस किताब का नाम बता सकते हैं? बसपा परियोजना किस जिले में है, आपको अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे बता चुका हूं। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो अंतिम शासक थे आनंद चंद, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम शासक है और साथ में मुख्य आयुक्त भी बनते हैं, क्योंकि बिलासपुर एकमात्र हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत थी जब हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ, तो गठन के समय ये जो रियासत थी अलग रहना चाहती थी। तो जो उस वक्त हिमाचल सरकार बनी तो उन्होंने इस रियासत को अलग रहने दिया था, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो हीरा चंद है इसको 11 तोहफों की अंग्रेजों ने सलामी दी थी, ये आपको याद रखना है। यहां से अमर चंद के समय में एक विद्रोह हुआ था, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम क्या था? बिलासपुर में हुआ था, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे है शिमला में कौन सी चोटी नहीं है? तो ये जो असलीम चोरी चोटी है ये नहीं, और सारी की सारी पहाड़ियां शिमला में है, इसको याद रखना है। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सॉरी किसके पश्चात मुख्यमंत्री बने? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के पश्चात हिमाचल प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बने? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं,
इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर करना है। बसपा नदी किसकी सहायक है, इसका आपने आंसर करना है। शिमला किसका मुख्यालय है, इसका आंसर करना है। और कुल्लू विश्व का अंतिम छोर नमक किताब किसने लिखी है, इसको मैं बता देता हूं, जो पी चेटवुड है, इन्होंने ये किताब लिखी हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर पसंद आई तो इतना सा तो बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका संबंध जोड़ा जाता है। कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, इसका सही आंसर आपको मैंने बता दिया, 1939। पहाड़ी रियासतों के लिए अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था कब की गई थी, तो ये 1948 के आसपास में ऐसी घटना हुई थी। महासू जिले का कितनी रियासतों तथा ठाकुराइयों को मिलाकर 1948 में गठन किया गया था, 26 थी। हिमाचल रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना है ये 1939 की है। पहाड़ी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था आरंभ की थी, तो ये जो सही आंसर है ये कुनिहार थी, इसको अच्छे से याद रखना है। और नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, 1945 ईस्वी में गठित बिलासपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह को किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन कल करेंगे। आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।